सेना भर्ती के लिए आज सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंचे। सेना अधिकारी व जवानों ने उज्जैन के स्पोर्ट्स एरिया में भर्ती के लिए डेला डाला है। इसमें आवेदक व पासधारियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स एरिना में शारीरिक दक्षता के साथ युवा सेना में भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सेना के 3 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। देश सेवा का जज्बा लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों के हजारों युवा शुक्रवार से ही महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में जुटने लगे थे। युवा यहां पर सेना भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता के लिए पहुंचे हैं। रात 3 बजे से ही युवाओं ने दौड़ और शारीरिक दक्षता के साथ सेना भर्ती की कई प्रक्रियाओं में भाग लिया। 10 दिनों तक सेना द्वारा आर्मी नर्सिंग, आर्मी GD, आर्मी टेक्निकल भर्ती की जाएगी। सेना में भर्ती के चलते शुक्रवार सुबह से शाम 5 बजे तक एरिना मार्ग, देवास रोड व बिरला हॉस्पिटल चौराहे से अंदर प्रवेश बंद किया गया है। सेना भर्ती के लिए गुरुवार शाम को ही सेना के अधिकारी और जवान तंबू बनाकर यहां डेरा डाले हुए हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया में उज्जैन जिला पुलिस के 350 जवानों की तैनाती की गई है। यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। सेना भर्ती में जिलेवार आवेदकों के लिए तारीख तय की गई है। इसमें प्रदेश के कई जिलों से युवा पहुंचे हैं। आज उज्जैन में आर्मी भर्ती हम गरोट मंदसौर जिले से आए हैं और रात को 12 बजे हमारे एंट्री गेट फीस है, उसमें एंट्री गेट में करना और सुबह फिजिकल होगा और फिजिकल में जो पास हो गया उसको मेडिकल वगैरह उसमें निकाला जाएगा और उसको रिटर्न के लिए 1-2 महीने दिए जाएंगे। ये आर्मी GD, आर्मी टेक्निकल और आर्मी नर्सिंग के लिए भर्ती हम यहाँ पे भर्ती देने आए हैं और रात्रिकालीन हमारा रात को 12:30 बजे हमें अंदर एंट्री मिलेगी और उसके बाद फिजिकल होगा हमारा, उसके बाद मेडिकल किया जाएगा और फिर रिटर्न के लिए तैयार किया जाएगा। किस पद के लिए आप यहाँ पे आए? आर्मी GD के लिए।